आज हम लेकर के आ गए हैं रील पर काफी तेजी से वायरल होने वाला न्यूज़पेपर वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल को लेकर के। तो सबसे पहले आप इसका प्रीव्यू देख लीजिए। तो ऐसा वीडियो बनाने के लिए आपके फोन में दो ऐप होना चाहिए। फर्स्ट फोटोफोनिया, ये आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा या फिर लिंक दे देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन में। जो हमारा दूसरा ऐप है VN वीडियो एडिटर ऐप, ये आपके मोबाइल में होगा ही, अगर नहीं है तो लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिएगा या फिर प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका एडिटिंग सीख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको प्रॉब्लम होता है, अच्छा लगता है गलत लगता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब आपको लेकर के चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो हम अपने फोटोफोनिया ऐप को ओपन कर लेते हैं। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा पॉपुलर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिजनेस न्यूज़पेपर, इसको आप ओपन कीजिएगा। अगर यहाँ पर ये बिजनेस न्यूज़पेपर नहीं मिलता है तो आप सर्च वाला आइकन पर क्लिक करके आप सर्च कीजिएगा, बिजनेस न्यूज़पेपर आ जाएगा। आप इसको ओपन कीजिएगा, चूज फोटो पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप जो फोटो लगाना चाहते हैं एक फोटो को आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर करके दिखाते हैं। तो हम इस फोटो को ऐड कर लेते हैं, कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। ओके पे क्लिक कर दीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से ऐड हो जाएगा। नीचे आपको देखने को मिल जाएगा न्यूज़पेपर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, फोटोफोनिया को इरेज कीजिएगा। उसके बाद इसमें आप जो नाम लिखना चाहते हैं आप यहाँ से लिख लीजिएगा। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं टेक्निकल सुजीत। उसके बाद नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आर्टिकल, इस पर भी आप क्लिक करके आप इसको इरेज कीजिएगा। जो आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से लिख लेते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। तो चलिए वैसे लिख लेते हैं। तो हम कुछ इस प्रकार से लिख लिए, आपको जो लिखना होगा लिख लीजिएगा। उसके बाद ओके पे क्लिक कर दीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आपका फोटो बनके तैयार हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। सेव वाला आइकन पे क्लिक करके आप इसको सेव कर लीजिएगा गैलरी में। इतना हो जाने के बाद आप यहाँ से बैक हो जाइएगा, ओपन कीजिएगा VN वीडियो एडिटर ऐप को। तो हम अपने VN ऐप को ओपन कर लिए, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कीजिएगा, फोटो पे क्लिक कीजिएगा, न्यूज़पेपर वाला जो फोटो क्लिप है आप उसको ऐड कीजिएगा। उसके बाद इसमें आप जो फोटो लगाना चाहते हैं आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। तो चलिए हम जो ऐड करना चाहते हैं उस फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेंगे, एरो पे क्लिक कर देंगे कुछ इस प्रकार से। ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा ओरिजिनल, क्लिक कीजिएगा। इसका जो फ्रेम है 9:16 पे क्लिक कीजिएगा, कहीं भी खाली जगह पर एक बार टैप कर दीजिएगा। उसके बाद आपका जो न्यूज़ पेपर है इस पर आप क्लिक कीजिएगा और इसको आप बीच सेंटर में ले जा कर के फिक्स कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। तो हम कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ से डुप्लीकेट पे क्लिक करके आप इसको डबल कीजिएगा, एक पर आप दबा करके रखिएगा और इसको लास्ट में ले जा करके रख दीजिएगा। और आगे इसका वाटर मार्क देखने को मिल जाएगा, इसको आप डिलीट कर लीजिएगा कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद आप अपने स्टार्टिंग में आइएगा, टैब टू ऐड म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, म्यूजिक पे क्लिक कीजिएगा, प्लस वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। साउंड वाला वीडियो का लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, डाउनलोड कीजिएगा, ऐड कीजिएगा। इसका आप जो भी नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं। ओके पे क्लिक करके साउंड को बाहर कीजिएगा, चूज वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। उसके बाद आप यहां से डन पे क्लिक करके आप इसको ऐड कर लीजिएगा। ऐड हो जाने के बाद इसका जो टाइमलाइन है हम थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ इस प्रकार से हम इतना कर लेते हैं। यहां पर देखिए मेरा जो म्यूजिक का जो साइज है ये छोटा है, तो हम अपने फोटो पे क्लिक करेंगे, इसका जो साइज हम यहां पर बढ़ा लेते हैं कुछ इस प्रकार से। आप भी कुछ इस प्रकार से बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो मेरा जो म्यूजिक है इतना बड़ा है। इतना हो जाने के बाद आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा, म्यूजिक बार पे क्लिक कीजिएगा, बीट पे क्लिक कीजिएगा और आपको स्क्रीन पर टाइमिंग देखने को मिल जाएगा कहाँ कहाँ पर बीट गिरेगा, आप यहाँ से टिक लगा लीजिएगा। तो चलिए हम लगा करके दिखाते हैं।
तो मेरा जो फर्स्ट बीट है 1.16 सेकेंड। तो चलिए हम यहाँ से आ जाते हैं 1.16 सेकेंड, यहाँ पर आकर के हम टिक लगा लेंगे। जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते होंगे हम यहाँ पर आ चुके हैं 1.16 सेकेंड, हम यहाँ पर टिक लगा लेंगे। फिर मेरा जो अगला बीट है 2.30 सेकेंड, तो चलिए हम इसे आ जाते हैं 2.30 सेकेंड, हम यहाँ पर आ चुके हैं देख सकते होंगे, फिर हम टिक लगा लेंगे। इसी प्रकार से आप बारी बारी से सभी बीट को टिक कर लीजिएगा। चलिए हम करके दिखाते हैं। तो हम अपने सभी टिक को लगा लिए, उसके बाद आप डन पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, आपका जो फर्स्ट फोटो है इसमें आपको दो भाग कटिंग करना है, सेकेंड फोटो में भी आपको दो भाग कटिंग करना है। चलिए हम करके दिखाते हैं। सबसे पहले आप अपने फर्स्ट टिक पे क्लिक कीजिएगा, स्प्लिट कर दीजिएगा। फिर आप अगले टिक पे क्लिक कीजिएगा, स्प्लिट कर दीजिएगा। आगे का जो एक्स्ट्रा भाग है इसको आप डिलीट कीजिएगा। फर्स्ट फोटो में आपको दो ही भाग करना है। फिर आप सेकेंड फोटो पे आइएगा, अगले टिक पे क्लिक कीजिएगा, स्प्लिट कर दीजिएगा। फिर आप अगले टिक पे क्लिक कीजिएगा, फोटो पे क्लिक करके आप इसको इक्वल साइज में कर लीजिएगा। कुछ इस प्रकार से सेकेंड फोटो में भी आपको दो ही भाग करना है। उसके बाद जो आपका लास्ट फोटो है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, इसका जो साइज है 12 कीजिएगा, जितना बड़ा आपका म्यूजिक होगा। ठीक है, तो हम कुछ इस प्रकार से इतना कर लेते हैं। अब इसमें आपको स्प्लिट कर देना है जहाँ जहाँ पर बीट गिरेगा, आप टिक लगाए होंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने अगले बीट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से स्प्लिट कर देंगे। फिर हम अगले बीट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से स्प्लिट करने का कोई ऑप्शन शो नहीं होगा, तो हम आगे आएंगे जहां पर स्प्लिट करने का ऑप्शन आएगा, स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद हम फोटो पे क्लिक करेंगे और जहां पर हमारा बीट गिरेगा इसको हम इक्वल साइज में कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से। फिर हम अगले बीट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस प्रकार से स्प्लिट कर देंगे। उसके बाद हम इसको इक्वल साइज में कर लेते हैं, जितना बड़ा हमारा म्यूजिक का साइज है, कुछ इस प्रकार से। इतना हो जाने के बाद आप इसके स्टार्टिंग में आइएगा। अब इसमें आपको एनिमेशन इफेक्ट्स अप्लाई कर लेना है, तो चलिए करके दिखाते हैं। तो फर्स्ट फोटो में आपको जूम आउट वाला एनिमेशन अप्लाई कर देना है। करने के लिए नीचे से आप आगे की तरफ चलिएगा, जूम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, क्लिक कीजिएगा, जूम आउट वाला जो एनिमेशन है अप्लाई कर दीजिएगा, डन पे क्लिक कीजिएगा। फिर आप अगले फोटो पे आइएगा, जूम पे क्लिक कीजिएगा, जूम आउट पे क्लिक कर दीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके पहले दोनों फोटो के बीच में जो प्लस वाला आइकन है ये वाला, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, वाइट पे क्लिक कीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। दो फोटो का काम हो चुका है। उसके बाद आप अपने अगले फोटो पे आइएगा, कुछ इस प्रकार से। इसमें आपको कोई सा भी इफेक्ट्स अप्लाई कर देना है, तो चलिए हम यहाँ से इफेक्ट्स को ओपन करते हैं और इसमें हम अप्लाई कर देते हैं जीते रे डाउन वाला इफेक्ट्स। तो चलिए हम यहाँ से अप्लाई कर देते हैं, आप जो करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ से जीते रे डाउन वाला इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, डन पे क्लिक कर देंगे। उसके आगे वाला जो प्लस वाला आइकन है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, वाइट पे क्लिक कीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आप चार नंबर वाले फोटो पे आइएगा, ये वाला। ठीक है, इस पर आने के बाद आप यहाँ से जूम वाला आइकन पे क्लिक कीजिएगा, जूम आउट वाला एनिमेशन अप्लाई कीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप अगले फोटो पे आ जाइएगा, कुछ इस प्रकार से। इसमें आपको अप्लाई करना है कोई सा भी इफेक्ट्स, आप जो इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो चलिए हम इफेक्ट्स पे अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें हम अप्लाई कर लेते हैं फ्लैशिंग वाला, आप जो अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर डन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप अपने अगले फोटो पे आइएगा, कुछ इस प्रकार से इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। इसमें आपको अप्लाई कर देना होगा जूम इन वाला इफेक्ट्स, या फिर आप कोई सा भी कर सकते हैं। फिर हम डन पे क्लिक कर देंगे। इतना हो जाने के बाद फिर आप अगले भाग पे आइएगा, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा, वाइट कलर का जो फ्लैशिंग है अप्लाई कीजिएगा, इसका जो ड्यूरेशन है फुल फोटो में कर लीजिएगा, डन पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप अगले फोटो पे आइएगा, इफेक्ट्स पे क्लिक कीजिएगा। इसमें आप जो इफेक्ट्स अप्लाई करना चाहते हैं कर सकते हैं। हम इसमें कर लेते हैं जीतेल वाला, कुछ इस प्रकार से। फिर आप डन पे क्लिक कर दीजिएगा। लीजिए, आपका वीडियो बन के तैयार हो चुका है। चलिए आपको प्ले करके दिखा देते हैं, कुछ इस प्रकार से। वीडियो बन जाने के बाद वीडियो को सेव करने के लिए ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा एक्सपोर्ट, इस पर आप क्लिक कीजिएगा, क्वालिटी देख लीजिएगा, डन पे क्लिक करके आप इसको गैलरी में सेव कर लीजिएगा। तो हमें उम्मीद के साथ साथ पूरा विश्वास है कि ये एडिटिंग ट्यूटोरियल आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर थोड़ा सा भी लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप जल्दी से कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में।